हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे बिटगर्ड और एक्सआरपी रिपल के बारे में। दोनों का प्राइस प्रेडिक्शन हम गाइस देखने वाले हैं, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में आप जरूर से बने रहना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आए। और सबसे पहले गाइस आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, बिकॉज आप लास्ट में भूल जाते हो और थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट फील करता हूं, तो ये फेवर आप कर दीजिए, प्लीज लाइक जरूर से कर दीजिए। सबसे पहले बिटगर्ड पर हम बात कर लेते हैं काफी क्विक। जैसा कि आप देख सकते हो 290 सीरीज में इंडियन रुपीज में मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है प्राइस को, आप देख सकते हो। और जिसने एक महीने पहले हमारे एंट्री पॉइंट पर पिक्सल, एक्सआरपी, सिबा इनू, बिटगर्ड में अगर एंट्री बनाई थी तो उनको ऑलरेडी फायदा अच्छा खासा हो रहा है। बिटगर्ड के केस में 3 गुना से भी ज्यादा का फायदा हुआ था इस पॉइंट पर। और मैंने आपको बताया भी था कि आप अपना थोड़ा बहुत जो पोर्टफोलियो है उसको सेल कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। जिसने नहीं भी किया है कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिकॉज ये फर्दर भी पंप करने वाला है आने वाले 4-5 दिनों में, उसका भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन मैं आपको दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हो थोड़ा सा करेक्शन इसने दिखाया है, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था, ये 2625 तक आ सकता है इंडियन रुपीज में प्राइस, आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो कि हमें 1-2 दिन में देखने को मिल भी सकता है। आपको घबराना नहीं, बिकॉज ये वापस से पंप करेगा और वो इससे भी ज्यादा होगा, यानी कि जो ये रेंज है इसका पीक जो था यहाँ पर आप देख सकते हो 7 डेज के चार्ट में, ये इससे भी ऊपर जाने वाला है। उसका इन्होंने एक अनाउंसमेंट के जरिए बता दिया है कि क्यों ये पंप करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने थोड़ा सा मिस्टीरियस बनाया हुआ है इसको, हाइप क्रिएट करने के लिए भी आई थिंक इनका ये स्ट्रेटजी है। जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है न्यू लिस्टिंग अलर्ट, ये वाला हमने पहले ही पढ़ लिया था, अ लार्जेस्ट यूरोपियन एक्सचेंज टू लिस्ट ब्रिज। अब ये यूरोपियन एक्सचेंज पर आने वाला है, हो सकता है वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन 3 बड़े हमने ऑलरेडी बता दिए आपको, क्रेकन, बिटगेट, बायबिट, अगर उन पर ये आता है क्योंकि वो यूरोपियन बेस्ड एक्सचेंज है, तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस में पंप तो डेफिनेटली अच्छा खासा आएगा ही। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 8 मार्च को इन्होंने दोबारा से इसको ही रिप्लाई करते हुए कहा है कि द लिस्टिंग अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन नेक्स्ट वीक। और कहीं ना कहीं आज की डेट में इन्होंने 4 घंटे पहले, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने बताया है कि द एक्सचेंज लिस्टिंग अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन नेक्स्ट 100 आवर, यानी कि आने वाले 4 से 5 दिन जो है गाइज वहाँ पर हमें ये अनाउंसमेंट दिख जाएगी। तो हो सकता है ये 4 से 5 दिन इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो बनी रहे, इसमें साइड वेव या फिर पंप भी कर सकता है, बिकॉज मार्केट पंप कर रहा है ओवरऑल, तो इस वजह से पंप आ भी सकता है। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट आएगी और वो एक्सचेंज अगर इन 3 में से कोई होता है, तो ये फर्दर अच्छा खासा मैसिव पंप दिखा सकता है और वहाँ पे आपको दोबारा से प्रॉफिट तो बुक करना ही है गाइस। बुल रन की अलग बात है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी यहाँ पर आपको अपना पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट सेल करना ही है, क्योंकि प्रॉफिट आप बुक नहीं करते हो कई बार और फिर बाद में आप मुझे ब्लेम करते हो, ये कई बार मैंने नोटिस किया है, तो ये आप जरूर से कर लेना। बाकी एक्सआरपी पर आपकी डिमांड पर मैं ये बात कर रहा हूँ आज की डेट में। जैसा कि देख सकते हो आप कि अगर इसके एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि हमने 2023 में भी कई बार बताया था, जब पिक्सल बिटगर्ड पर हमने बात की थी तब भी बताया था, और अगर हम 2023 वाले की बात करें तो उस टाइम पर ये 26 रुपये के आसपास था। लेकिन जिसने कहीं ना कहीं हमारे रिसेंट वीडियो जो कि हमने लगभग 1 महीने पहले बनाया था, तो वहाँ पर अगर एंट्री ली होगी 42-43 रुपये के आसपास, तो प्रॉफिट तो डेफिनेटली हो ही रहा है। अब कई लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि अगर आप मार्केट को देखो तो भाई हर कोई पंप कर रहा है, बिटकॉइन अपने नए एटीएच पर ऑलरेडी आ ही चुका है, उसी के अराउंड ट्रेड हो रहा है, जो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप है $2.7 trillion में पहुंच चुकी है इंडियन रुपीज में, तो आप देख ही पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप रैंक भी देखोगे तो एक्सआरपी की रैंक भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ गई है, घट गई है कहीं ना कहीं अगर कहें इन द केस, जैसा कि ये 4 पर हुआ करता है जनरली, बट BNB सोलाना ने रिसेंटली इसको कहीं ना कहीं ओवरट्रेक कर दिया है और आप 6 रैंक पर आप अभी एक्सआरपी को देख पा रहे हैं। बट XRP गाइज मेरा कहीं ना कहीं वन ऑफ द फेवरेट अल्टकॉइन है, जिसने मुझे पिछले सीजन में भी फायदा दिया है, और XRP जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ये आप सबको पता ही है। अब अगर आपने XRP होल्ड किया हुआ है तो डेफिनेटली आपने अच्छा खासा अमाउंट इसमें डाला हुआ होगा, बिकॉज ये काफ़ी बढ़िया प्रॉपर एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और ये 6 रैंक पे, और ये रैंक हम देख पाएंगे कि ये 4 पे वापस से आ भी जाएगा, बिकॉज ये कभी भी इसको ओवरटेक कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में, खास करके हालविंग से पहले पहले, चांसेस यही बन रहे हैं कि इसकी रैंक और भी डाउन हो सकती है, बिकॉज USDC और जो 8 रैंक पर कार्डेनो बैठा हुआ है वो पंप कर सकता है, हार्डली पंप कर सकता है, क्योंकि उसमें कुछ अपडेट्स भी आने वाली है, तो ये भी आपको इसमें चिंता नहीं करनी है। बाकी प्राइस प्रेडिक्शन जो है गाइस वो कहीं ना कहीं मैं लगा रहा हूँ, जैसा कि अगर इसका ओल्ड टाइम चार्ट आप देखोगे तो इसका जो 2021 में, कई लोगों को लगता है कि 2021 का जो बुलरन था उसी में हर कोइन ने कहीं ना कहीं वो जो अपना ATS था वो लगाया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये 137-140 रुपये के आसपास गया था 2021 वाले बुलरन में। लेकिन इसका पहले से ही एक ATS बना हुआ था गाइस, जो कि था 2018 में, आप देख सकते हो जो प्रीवियस से प्रीवियस वाला जो बुलरन था वहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 200 रुपये के अराउंड बना था। और जो ये वाला पंप आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये बुलरन, जो अपकमिंग बुलरन है, यहाँ पर इसका प्राइस प्रेडिक्शन गाइस 500 रुपये तक भी लगाया जा रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग 300+ ये होने ही वाला है। उसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजन है गाइस, क्योंकि अगर आप देखोगे 2021 में तो इसका जो लो शूट केस, जो सेक्शन इसका केस चल रहा है इसके अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में था। उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, ये लग रहा था कि XRP को कहीं ना कहीं ओवर पावर कर रहा है जो अगेंस्ट वाली टीम है या जिसने भी इस पर केस लगाया है। तो अभी के टाइम पर, लेकिन अभी के टाइम पर सिनेरियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। अभी के टाइम पर जितनी भी न्यूज़ आ रही है, हालांकि क्लियर नहीं हुआ है इनका जो लो शूट वाला सेक्शन केस है, लेकिन वो क्लियर हो सकता है कभी भी, क्योंकि
जितने भी रिव्यूज हैं आप कुछ भी पढ़ लीजिए, एक्सआरपी के बारे में आप जितना भी पढ़ेंगे गाइज आपको सारी की सारी पॉजिटिव ही न्यूज देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो ये वाला बुल रन है इससे तो डेफिनेटली बड़ा होगा ही होगा। और जो प्रीवियस बुल रन था उस टाइम पे आप मार्केट कैप अगर देखोगे ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप वो काफी छोटी थी गाइज, उस टाइम पर भी ये 200-300 तक पहुंच 200 तक पहुंच गया था। तो अभी का जो इसका प्राइस प्रेडिक्शन है मेरा पर्सनली वो 300 से प्लस हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना तो मेक श्योर आप सोच सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पंप कर सकता है। XRP काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, अभी भी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली जो अपने इकोसिस्टम में ये अपडेट्स लाता रहता है, इसकी टीम काफ़ी एक्टिव है। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो रिसेंटली 27 फरवरी को इन्होंने एक कोलोबरेशन किया था जो कि Web3 इंटरनेट नेटवर्किंग जो है कहीं ना कहीं इंटरनेट एप्लीकेशन है उस पर काम करता है ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सेलर नेटवर्क इसके साथ इसकी पार्टनरशिप हुई थी। साथ ही साथ बाइनेंस फोर्ब्स ये तो डेली बेसिस पर XRP पर जो कहीं ना कहीं प्राइस प्रेडिक्शन के आर्टिकल देख लो ये आते ही रहते हैं। तो रिपल में वो कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज़ तो हैं कि ये किसी भी टाइम किसी भी बड़ी अनाउंसमेंट से ये पंप कर सकता है। और देखिए गाइस बिना अनाउंसमेंट के भी ये अपने आप को सस्टेन कर पाता है कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 4th रैंक पर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कहीं ना कहीं आप देख सकते हो। और XRP में जिसने भी अच्छी खासी होल्डिंग लगाई हुई थी तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या क्या आपको आने वाले टाइम पर इसके साथ थोड़ा सा डील करना है। जैसे कि अगर इसका प्राइस आने वाले टाइम पर हालविंग से पहले काफ़ी कम चांसेस है कि ये अच्छा खासा हार्ड पंप करेगा, थोड़ा बहुत तो कर सकता है लेकिन हार्ड पंप जैसा कि 100 रुपीज़ के आसपास तक का, तो वो अगर आपको देखने को मिल जाए फिर भी गलती से अगर ना मिले या मिले जो भी, लेकिन अगर मिल जाए तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहाँ पर बुक करना है। हो सकता है आपका वो पोर्टफोलियो 30% आप सेल कर सकते हो 40%, लेकिन आपको वो करना ही करना है बिकॉज XRP का जो चार्ट है वो हमेशा से ऐसा ही गया कि अचानक से पंप आता है फिर करेक्शन फिर पंप, ये हमेशा देखने को इसमें मिलता है। यानी कि ट्रेडिंग के लिए भी XRP को काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, तो उस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको DCA करने का मौका तो बार बार मिल ही जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉफिट भी बार बार बुक करते रहना है। हालांकि ऐसा नहीं कि पोर्टफोलियो आपको खाली कर देना है, XRP आपके जो पोर्टफोलियो में है वो हमेशा होना ही चाहिए गाइज, ये तो मैं कहूँगा कि इस बुल रन में भी आप प्रॉफिट बुक करोगे, लेकिन फिर जब बियर मोड आएगा तो XRP को तो आप फिर से भी ऐड कर लेना गाइज, क्योंकि XRP फेवरेट है मेरा और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पार्टनरशिप जो है कहीं ना कहीं अगर आप जितने भी अल्टकॉइन देखोगे जो कि टॉप 100 में, तो सबसे ज़्यादा XRP की आपको देखने को मिलेंगी। और इसका जो कहीं ना कहीं यूटिलिटी है वो भी सबसे बड़ी यूटिलिटी उसके नाम से ही जाना जाता है, पेमेंट सॉल्यूशन के नाम से। तो गाइस क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं आप देखोगे अभी के टाइम पर काफ़ी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लीगल टेंडर मिल चुके हैं, तो पेमेंट सॉल्यूशन पर XRP जब काम करता है और इसकी ब्लॉकचेन भी काफ़ी ज़्यादा कंपेटिबल है, तो उस हिसाब से XRP में की प्राइस में या फिर इसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं आने वाले टाइम पर, बिकॉज ये Web3 को भी कंपेटिबल बना रहेगा अपने यूज़ केस से बिकॉज वो है पेमेंट सॉल्यूशन। तो XRP वन ऑफ द फेवरेट अल्टकॉइन है, ये सबका है, लगभग सभी का होता ही है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में मेक श्योर होना चाहिए। तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि आपको किस किस जगह पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहना है, और अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जिसने काफ़ी लोग हैं आप में से जो मुझे DM वगैरह कर रहे थे, मैंने इसको 55 पे खरीदा था 52 पे खरीदा था, तो लॉस थोड़ा बहुत हो रहा है आपको, लेकिन अल्टीमेटली इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लॉस गाइज आपको तभी होगा ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में स्पेशली जब आप इसको जानबूझ के पैनिक होकर सेल कर दोगे, यही आपका तभी आपका लॉस होता है, अदरवाइज आपका कभी भी लॉस इनसे तो नहीं होगा डेफिनेटली। बिटगट की रही बात तो मैंने आपको बता ही दिया गाइज कि आने वाले 4-5 दिन में अनाउंसमेंट जैसे आती है, एक्सचेंज अगर अच्छा खासा हुआ गाइज तो डेफिनेटली हमें बढ़िया तगड़ा वाला पंप देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पर आप इंडियन रुपीज़ में ये जो रेंज था 36, तो यहाँ पर हमें 4648 तक तो डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट बुक करना है बिकॉज जिन्होंने एंट्री एक महीने पहले लगभग ली थी उनको ये प्रॉफिट 5 गुना के आसपास का हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको एंट्री डेफिनेटली सॉरी प्रॉफिट जो है वो बुक करना ही करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी पेक्सल वालों को भी प्रॉफिट करने बुक करने का मौका मिल ही चुका था ऑलरेडी, दोबारा से भी वो फर्दर पंप करेगा फॉर श्योर, क्योंकि हमने उस पर बात की थी, हमने प्राइस प्रेडिक्शन उसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी लाइक आपने ऑलरेडी कर ही दिया हुआ, नहीं किया तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।